Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
अजामिल ने अपना बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था? अपना बेटे को बुलाया था, नारायण को बुलाया था। लेकिन विष्णुदूत और जमदूत में कितने लड़ाई हुई? विष्णुदूत तो कहते हम ले जाएंगे और जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, और लास्ट में विष्णुदूतों की जीत हो गई। उन्होंने भगवान के नाम की ऐसे महिमा बताए, ऐसे उन्होंने नाम की महिमा बताई, उन्होंने जमदूत को मार मार कर भगा दिया, और जमदूत ना जा करके जम महाराज के सामने जितने उनको अस्त्र शस्त्र चरण में फेंक दिया, बस आज से आपकी नौकरी को भी कुछ नहीं रहे, हम नौकरी से रिजाइन करना चाहते। बोले भैया क्या हो गया? उसको ना उसको उधर भेजा करो, जैसे आपके कान में नहीं रहते, आपके कान के पास आ जाए। हाँ हरे कृष्ण, इसको ध्यान रख लो, नहीं तो एकदम पीछे कहीं ना। हरे कृष्ण हरि वो, उसका मुंह उधर घुमा दो। हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण। इसलिए बोले अब क्या नौकरी नहीं करेंगे, ये सब अस्त्र शस्त्र वापस ले जाओ। बोले तो बात क्या है? हरे कृष्ण, कहाँ जा रहे हैं? हरे कीर्तन कर। इसलिए बोले 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 बात क्या है? बोले बात क्या, बोले बात क्या है? पहले ये बताओ, जगत में शासन करने वाले कितने व्यक्ति है? बोले जगत क्या इतना दिमाग घुमा, चुप रहो, वो कर रहे हैं, कर रहे, वो समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, वो ट्रांसलेशन है, वो अफ्रीका से आया है, तो हिंदी नहीं, वो अफ्रीका से आया है, अरे अरे इतना गौर भगवान ने, इसलिए बोले जगत में कितने शासन करने वाले हैं? बोले भैया बात तो बताओ क्या, बात क्या बताएंगे? पहले तो हम जानते थे जगत का हर्ता कर्ता पिता था, आप भी अकेले हो, जगत का मालिक आप भी हो, लेकिन आज से पता चला आपका आदेश कोई पालन नहीं करते, आपका आदेश कोई पालन नहीं करते जगत में। बोले भैया बात तो क्या बताओ, हो गया कि बोले एक बहुत बड़ा पापी था, उसको हम लेने के लिए गए, और पता नहीं जब लेने जा रहे थे, चार वैकुंठ से बड़े देखने में बड़े सुंदर थे, श्याम रंग के शंकर चक्र गदा पद्म धारण करते हुए झट कहाँ आ गए, और हमको ऐसे गाली गलौज किया, शास्त्रास्त्र से हमें परास्त कर दिया, और हमको अपमान करके मार मार कर भगा दिया हमको। ये अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते जब तक आप हमको दंड नहीं देते हो। जब महाराज बोले ये बताओ उसने क्या बोला था, बोले मरते समय उसने एक बार किया नारायण बोला था, इतनी सी बात, मरने से पहले उसने क्या बोला था, केवल नारायण नाम लिया था, कितना ही केवल भगवान का नाम लिया, और इसी को सुनते ही पता नहीं चार व्यक्ति कहाँ से आ गए, और इतने बुरी तरह से हमें अपमान किया, हम ये अपमान सहन नहीं कर सकते। वाह, जब उसने नारायण नाम सुना तो नारायण वहीं पर जम मारे तो बेहोश हो गए नारायण, भगवान का नाम सुनकर की जब होश आया, बोले बड़े दिनों में भगवान का नाम हमें सुनने को मिला है, जमपुर में कौन है, हरे कृष्ण करने वाले कौन है, भगवान का नाम लेने वाले नरेक में कौन है, हई में समय बीतता है। जब उनकी होश आए तब श्री कहते हैं, बोले मूर्खो तुमको पता नहीं, जगत का मालिक मैं नहीं, मैं एक नौकर हूँ, मैं एक नौकर हूँ, मालिक तो मेरे प्रभु श्री नारायण है, उन्होंने कृपा करके हमें ये पोस्ट को दिया हमें, इसलिए हमारे जो प्रभु श्री नारायण है उनका हम नौकर सेवक है, उनके हम सेवक हैं। तब श्री, हाँ विष्णु दूत ने बताया था भगवान का जो नाम है
चार तरह से जीव का कल्याण करता है। पहला नंबर क्या था, पहला नंबर क्या था, याद है किसको, क्या था पहला नंबर, बोलो। संकेत, संकेत करके, मतलब जैसे किसी बेटा का नाम भगवान का नाम रख लिया, अगर उसको बारंबार संकेत करके बुलाते रहो, गोपाल आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, राम आ, इसको संकेत कहते हैं। बल्कि इसको द्वारा भी भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। इसलिए एक भक्ति गुमद संत महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, बोले जंगल में चार चोर रहते थे। पहले सब जंगल ही जंगल होता था, जब रास्ता में कोई जाते थे ना, लूट लेते थे। और वो पांच जो चोर थे, ठग थे, वो अलग अलग पांच जगह में खड़े हो जाते थे। अगर किसी व्यक्ति को आते हुए देखे ना, बोलते थे नारायण नारायण, इसका दो अर्थ होता है। साधारण व्यक्ति सुनेगा तो बोले भैया बड़ा भक्त नारायण नारायण ले रहे, लेकिन वो चोरी करने के लिए, नारायण का एक अर्थ होता है नर अयन, नर मतलब होता है इंसान, अयन मतलब आ रहा है। बोले दूसरा जो चोर है ना, सावधान कर देता है, सावधान हो जाए कि व्यक्ति आ रहा है, लेकिन वो जो रास्ता में आने वाले सोचता था भैया बड़ा भक्त नारायण नारायण नाम करे। फिर जब दूसरा पास में पहुंचता था, है वो बोलता था गोपाल गोपाल, वाह जो गैया में जो पालना करने वाले गोपाल भगवान का नाम है, है? ये बोलता था गोपाल गोपाल, लेकिन वो बोलता था जो गैया चराते हैं ना, अभी तक बुद्धि थोड़ी सी कम होता है, वो बोलता था देखो ये जो आदमी आया है ना, वो लगता है इतने चालाक चतुर है, मतलब चोरी करने में बढ़िया होगा। जब वो तीसरा व्यक्ति को पास में पहुंचता था, है? बोले दामोदर दामोदर, दामोदर का मतलब बैठे माला, इसलिए कहते हैं आप जो कथा सुनो ना, आप दिमाग इधर उधर नहीं घुमा, चुप चुपचाप बैठ। इसलिए बोलते थे दामोदर मतलब होता है, हैं? दामोदर तो भगवान का नाम, बचपन में कृष्ण मैया जसोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिया, दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब होता है कमर, कमर में उन्होंने रस्सी को बांध दिए थे, इसलिए दामोदर नाम पड़ा। लेकिन उसका दूसरा अर्थ होता है दाम मतलब होता है चमड़ी दमड़ी, दाम मतलब होता है पैसा, है चमड़ी दमड़ी कहते ना, उधर मतलब होता है कमर, वो देखता है उसको कमर में पैसा है, वो तीसरा को बोलता था चौथा को, बोले भैया इसके पास पैसा है, लेकिन वो व्यक्ति समझता था ये तो बड़े भगत है, दामोदर भगवान का नाम ले रहे, हाँ उसको सावधान करते थे दामोदर है। इतने में जब फिर पहुंचता था, कितना व्यक्ति हो गया, कहते चौथे व्यक्ति को पास में हो गए, बोलता हरी हरी हरी, मतलब जो सारे पाप ताप दुख कष्ट को जो हरण करता है, इसलिए भगवान का नाम हरि है। लेकिन वो इशारा करता था हरि मतलब सब कुछ हड़प लो, जिसको आप कितने है ना, सबके सब हड़प लो। फिर जब वो पंचवा व्यक्ति को पास में पहुंचता था, बोले वासुदेव वासुदेव, वासुदेव का बेटा वासुदेव कृष्ण है, वो वासुदेव ने बोले बांस लाओ उसको पिटना शुरू कर। वो ऐसे है ना, भगवान नाम को है चोरी में उन्होंने भगवान का नाम को उन्होंने लगा दिए, इसलिए ऐसे ऐसे करते थे चोरी करते थे। जब चोरी एक व्यक्ति आए ऐसे ऐसे कर रहे थे, इतने में वज्र गिरा, बारिश हो रही थी, वज्र गिरा तो वो पांच चोर वही खत्म हो गए, तो खत्म हो गए। चूंकि अंतिम समय पर भगवान के नाम की इशारा से बोल रहे थे गोपाल दामोदर नारायण वासुदेव, चूंकि भगवान का नाम ले रहे थे, इसलिए भगवत नाम ले रहे थे, चूंकि अंतिम समय में वो पांचों को मुक्ति मिली गई, पांचों को मुक्ति मिली गई। इसलिए कहते अगर भगवान के नाम संकेत पूर्वक भी ले लो, इशारा करके भी ले लो, तभी भगवान का नाम तुम्हारी कल्याण करता है। बोले दूसरे तरह से पारिहास्यम, पारिहास्यम का मतलब हंसी भिलई करते करते, अरे हरी हरी करने से क्या होता है, हैं? अरे भगवान करने से कितना हमने भगवान की नाम ले लिया क्या हो गया। इसलिए अगर कहते हैं परिहास करते हुए अगर नाम ले लिया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक महाराज थे भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, ये प्रभुपाद का आश्रम था, बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। बोले एक घर में दो भाई रहते थे, एक भाई तो खूब भक्ति करे और एक भाई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। अभी जो भक्ति करता है उसको पता भैया भगवान का नाम में क्या रस है, भगवान की भक्ति में कितने आनंद है, जो भक्ति करता है उसको ये बात पता है,
इसलिए महाप्रभु कहते आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भक्ति ऐसे की चीज है आनंद रूपी समुद्र में एकदम उसमें डूब जाता है भक्त लोग। इसलिए उसी भक्ति रस में भक्त लोग उसमें डूब जाते हैं, जैसे बिरा जी, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे तुलसीदास जी, जैसे महाप्रभु हैं, सरद गोस्वामी। भक्ति में क्या रस है, जो भक्ति करता है उसे पता भैया भक्ति में कितना आनंद है, कितने रस है। इसलिए वो रस को जो खाया है, इसलिए मैं पहले सुनाया था ना, इसी जगत में भगवान का नाम को एक नाम दिया आसव। आसव मतलब होता है शराब। भागवत में बताया भगवान का भक्ति कैसे, नाम कैसे, बोले आसव। आसव मतलब शराब है। इसी जगत में देखना, अगर पिता अगर शराब पीता है, वो कभी भी अपना बेटे को बोलेगा नहीं बेटा तू शराब पी, कहीं बोलेगा? पिता बोलेगा बेटा मैंने अपना जीवन को बर्बाद कर दिया, बेटा तुम अपना जीवन कभी बर्बाद नहीं करना है, पी पी करके मेरा जीवन खत्म हो गया बेटा, इसलिए तू कभी पीना नहीं। कोई भी पिता अपना बच्चे को कभी भी नहीं बोलेगा तू इसको पी ले, कभी बोलेगा पिता? कोई पिता नहीं बोलता, कहते बेटा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तेरा बेटा तेरा जीवन बर्बाद ना हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भक्ति रस ऐसे की चीज है, अगर इसको अगर पिता एक बार पी लेना अपना बेटे को बोले भैया तू भी एक बार पी कर देते कितना आनंद है, तू भी एक बार पी करके देख बेटा भगवान की भक्ति रस में कितना आनंद है। अगर कभी पत्नी पी लिया ना कभी रस को, वो कोशिश करेगा जिसे पति को भी ले चले, चलो चलो एक बार सत्संग में चलो, भगवान की कथा में सुनो, भगवान की भक्ति करो, कितने रस है। अगर इसको बेटा पी लेगा ना, पिताजी को बोले पिताजी आप भी एक बार पी करके देखो भगवान की भक्ति में कितने आनंद है, कितने उसमें रस, पिताजी आप भी एक बार पियो हैं। जो पिएगा वो दूसरों को जरूर बोलेगा तू भी एक बार पी करके देख, अगर नहीं पिएगा ना फिर क्या करेगा, वो पकड़ से पैसा निकाल करके पिलाएगा, पकड़ से पैसा निकाल करके पिलाएगा है। मतलब क्या है, जैसे आप लोग जैसे ब्रिजबिन संघ है, जैसे भक्त लोगों को बुलाते हो इंडिया से, कितने पैसा खर्चा करते हो, खर्चा करते खुद पिए तो पिए, अब कोशिश करते हो या दूसरे भी पिए रस को, ये आनंद दूसरों को भी प्राप्त हो, हम अकेले क्यों पिए, सबको ही ये पीना चाहिए। इसलिए जो एक बार पिएगा ना वो सबको पैसा हाथ से खर्चा खर्चा करके भी ये भक्ति रस को पान कराएगा है। इसलिए जो भाई भक्ति करता था उसको पता रस में कितना आनंद है। इसलिए एक दिन उसने अपना गुरु जी को बुलाया, बोले गुरु जी एक दिन हमारे घर में आए, थोड़ा घर में कीर्तन सत्संग करना, और मेरा जो छोटा भाई है ना उसको भक्ति भक्ति से एकदम रुचि नहीं है, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, आप थोड़ी सी उसको समझाना, ये मानव शरीर कितने कष्ट से मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार जीवन मिलता है जिसको भगवान राम कहते हैं है? बड़ा भाग मान सतन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ में बाबा, भगवान अयोध्या वासियों को समझाते हैं, ये अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है मानव शरीर, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार, भगवान राम समझा रहे अयोध्या वासियों को बैठा करके, बोले ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति का दरवाजा में पहुंचे हो, ये 84 लाख जन्म भटकते 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 ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, इसलिए साधन धाम मतलब इसी मानव शरीर को छोड़ करके 84 लाख युग में कोई कृष्ण कृष्ण राम राम कोई नहीं बोल सकता। ये दो कान ही केवल दिया जिसमें केवल हम भगवत कथा सुन सकते हैं, कोई नहीं सुन सकते, केवल एक हृदय दिया है जिससे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, केवल एक जिह्वा दिया है प्रभु का नाम कर सकते हैं, केवल दो प्यार दिया है घर से यहाँ तक आप चल करके सत्संग में भगवत कथा में घर से यहाँ तक आ आए हो, और कोई कर सकता है ये काम? इसलिए भगवान कह दिए मानव शरीर नहीं, कह दिए साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये साधन की धाम ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए, अगर इसे जीवन पा करके भगवान के भजन से नहीं करोगे फिर गधे कुत्ते चोर होकर के 84 लाख जन्म तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा। बोले गुरुदेव थोड़ी सी उसको ये बात समझाना, वो भी अगर भजन करेगा ना, दो भाई एक घर में रहते हैं, अगर दोनों अगर भक्ति करेंगे तो एक दूसरे को मदद करेगा ना, आप थोड़ी सी उसको समझाना, लेकिन वो ज्यादा ही चतुर था, जब देखा उसको पता चला गुरु जी को बुलाएगा, मेरे को गुरु जी समझाएंगे भजन करने वाला है, बैठूंगा सत्संग में तभी तो मेरे को समझाएंगे, अब बैठना नहीं, जब देखा गुरु जी को आत्म लिया ना वो चला गया घर बाथरूम में और अंदर से कुंडी बंद कर वहीं पर बैठ गया,
बोले जब तक गुरु जी घर से चले नहीं जाते ना तब तक दरवाजा नहीं खोलता। अभी गुरु जी आए, कीर्तन किया, सत्संग किया, अब भैया जिसके लिए आए थे वही नहीं आया। अभी जब गुरु जी वापस जा रहे थे, इतने में गुरु जी ने दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा दरवाजा खोल दो। बोले गुरु जी मैं दरवाजा नहीं खोलता। बोले बेटा एक बार खोल तो दो। बहुत कष्ट से दरवाजा खोला, इतने में गुरु जी पकड़ लिए। बोले बेटा एक बार कृष्ण बोलो, बेटा एक बार तो कृष्ण बोलते। जब जोर जबरदस्ती पकड़ लिए, उसने इतने में बोल दिया मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ। क्या बोला उसने? मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ। बोले बेटा तुमने कृष्ण बोल दिया, तुमने कृष्ण बोल ही दिया है बेटा, इससे तेरा कल्याण उधार होगा। लेकिन एक काम करियो, ये भगवान का जो नाम को कभी बेचना नहीं, इतना कर लेना। बेचना समझते है ना, ठाकुर जी ये नाम ले रहा हूँ कि ये दे दो ये दे दो, कभी ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, बोले ठीक है गुरु जी। कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर उसको जब दूत आकर पकड़ करके ले गए, जब महाराज देव सामने उन्होंने खड़े कर दिए, खड़े कर दिए तो चित्रगुप्त को बोले इसका काफी करो। चित्रगुप्त का मतलब जानते हो? चित्रगुप्त का मतलब होता है, अगर हम कभी कभी सोचे 10 तला बिल्डिंग के ऊपर चारों तरफ दरवाजा बंद है, अभी हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी कोई देख रहा है? बोले नहीं, कि भागवत का 10 दिशाएं, दिन में सूर्य का किरण सब जगह में, ये सूर्य से कोई कुछ छुपा नहीं सकते हो, वो सूर्य साकी है। रात को ये चंद्रमा का किरण सब जगह में, ये साकी। जो 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर नैऋत्य, जो 10 दिशाएं हैं, आप कहीं भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, वो सारे रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। वो अंतिम जीवन का बाद में वो सब चीज निकलेगा, इसलिए इसका नाम है चित्र गुप्त। मतलब गुप्त रूप में जिसने सारे हमारे फटोक ले लेता है, सारे फटोक अपने आप ले लेता है। और ठीक इस जीवन में देखना, एक पिता है, 5 बच्चे हैं, 5 को अलग अलग देखो। बोले क्यों? पिता कहे के 5 बेटे अलग अलग, किसका दिमाग नहीं, बोले कोई दिमागदार, कोई पैसा कमाता है, कोई तो निकम में है, किसका याद नहीं है, अलग अलग क्यों है? बोले उसने जैसे जैसे कर्म किया है ना, वो ठीक वैसे कर्म। किसका बेटा देखना इतने अच्छे हैं, किसका बेटा देखना इतने दुष्ट, कहते पूर्वजनों का शत्रु बेटा होना देखा, ये बात इतनी सही है। उसको प्रतिशोध लेने के लिए वो आता है। किसकी पत्नी बहुत प्यारी, किसकी पत्नी बड़े रोज पटका पटकता है घर में। बोले ऐसे क्यों? बोले कारण है, तुमने जैसे जैसे कर्म किया ना, घर भी वैसे मिलेगा, पत्नी भी वैसे मिलेंगे, बच्चे भी वैसे मिलेंगे, परिवार भी तुम्हें ऐसे मिलेगा जैसे जैसे तुमने कर्म की थोड़ी सी भी। इसलिए उनका नाम है धर्मराज। जब महाराज का नाम धर्मराज, धर्मराज क्यों? वो तराज में नाप करेगा ना सारे चीज को, तराज में नाप करेगी, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होगा। इसलिए उसका नाम है चित्र गुप्त है। जब गुप्त रूप में सारे फटों को खींच रहे हैं हमारी, और लास्ट में जो सारे हिसाब किताब होता है, तब उन्होंने बोले चित्रगुप्त बता उसने कितने पाप और कितने पुण्य किया है। कभी कभी लोग अरे ये सब बेकार बात है, हमें एक चीज लेना है भैया, मेरे आईपैड में फटो लेकर के आया हूँ। हम लोग आगरा नाम सुने हो, भारत के लोग, वहां पर क्या उसमें हेडिंग न्यूज पेपर में आया था, उसमें हेडिंग था सुखी को गलती से ले गए जमदूत, लाया नहीं मेरे फटो लेकर लाया आई बैड में, उसमें लिखा हुआ हेडिंग है सुखी को गलती से ले गए जमदूत, उसका हेडिंग है। वो गांव पत्ता माताजी का नाम पूरा का पूरा उसने दिया हुआ, वो उसने सारी बात बताया कैसे व्यक्ति मरने के बाद बूढ़ी को जमपुर ले गए, देखा कि बूढ़ा काला सा आदमी के सिंहासन में बैठा हुआ, जब उसको ले गए इतने में जब महाराज चिल्ला पड़े, बोले किसको ले आयो, ये गलती से ले आए, ये नहीं और एक माता जी, जाओ उसको वापस देकर लाओ। अभी उसका पूरा परिवार आगे ले जाएंगे शमशान जलाने के लिए। 4 घंटे के बाद में फिर बैठ गए, एकदम जगह बैठ गए। जब जगह बैठ गए, सब लोगों ने पूछा भैया तो मर गए कि जिंदा कैसे हो गए? उन्होंने सारी बात सुनाई। बोले 3-4 दिन पहले मैं देखा 3-4 व्यक्ति को टोपी पहन कर गया और किसको दिख नहीं रहा था, कभी मेरे को दिख रहा था है? पता नहीं मैंने सोचा पता नहीं कोई मेरे कोई आश्चर्य चीज होगा। फिर मैं देखा वो कहाँ चले गए, फिर देखा वही व्यक्ति आए और मेरे खूब मारे पीटे, मैं चिल्ला रहा था बचाओ, लेकिन मेरी आवाज कोई सुन नहीं पा रहे थे, और मेरे को पकड़ करके ये सबके सब कहाँ लोग में ले गए, और उन्होंने बोले ये नहीं और एक व्यक्ति मेरे को धक्का मार गिरा दिया, बड़े दर्द हो गया। सचमुच से देखा उसी गांव में और एक बूढ़ी मर गई, क्योंकि वो गलती से उसको ले गए थे, उसको लेने का मृत्यु नहीं थी, मृत्यु थी दूसरी की,
लेकिन उन्होंने गलती से उसको ले गई थी, फिर दिखा गांव में दूसरे व्यक्ति, फिर गांव में एक अलग मुड़ी की, फिर वो मेरे भाई बैठ में उसमें फटल आया, पूरा उसमें पूरा लिखा हुआ कौन सा गांव कहां पर क्या किया क्या किया, सारे बात उसमें लिखी हुई है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन ने बोले इसका कापी खोलो, कापी खोले तो बोले महाराज जी ये तो कोई धर्म कर्म किया है, थोड़ा नास्तिक व्यक्ति था, भगवान भगवान को मानता नहीं था। बोले देखो ठीक से, बोले एक पुण्य है, इनके घर में इनके गुरु जी आए थे और इनको एक बार बोले तुम कृष्ण बोलो, उसने बोला मैं कृष्ण नहीं बोलता हूँ, गुरु जी बोले तो कृष्ण बोल ही दिया, लेकिन बेटा एक काम करियो इन नाम को बेचना नहीं करियो, ये कभी बेचा ही नहीं, और गुरु जी ने बोला था कि कृष्ण नाम से उद्धार होगा, क्योंकि उन गुरु जी बहुत अच्छे पहुंचे, वो कोई साधु थे और उनकी मुंह से जो भगवान का नाम सुने उसमें विशेष ताकत है, क्योंकि शुद्ध भक्ति करने वाले संत थे, और गुरु जी का वचन है कि नाम से उसको उद्धार होगा, केवल एक पुण्य है इसके। जब महाराज पूछे ये बताओ तो पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, बोले गुरु जी की बात याद आ गया, गुरु जी बोले एक कृष्ण नाम से तेरे मुक्ति मिलेगी ना, उद्धार होगी तेरे को। उसने बोले मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दे दो, फिर नरक तो जाना है मेरे को। फिर उन्होंने जब महाराज भागवत वेदांत सारे ग्रंथ को ढूंढे कृष्ण नाम क्या क्या महिमा है, उन्होंने देखा लिखा हुआ, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। ये भागवत में लिखा हुआ भगवान का जो नाम है, कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम है, हैं? इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घन श्याम, साड़ी खेचत हारा दुशासन साड़ी बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए हनुमान ने लंका को हाँ? लंका को जाने के लिए उनको फूल की जरूरत नहीं पड़ा, केवल राम नाम लिया तो उन्होंने समुद्र को लांघ लिया, लेकिन प्रभु राम को लंका जाने के लिए फूल बांधना पड़ा प्रभु को, है जो उन्होंने देखे हर शास्त्र कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम। अभी जब महाराज बुद्धि काम नहीं किया, बोले हर जगह बता रहे भगवान से बढ़कर के उनका नाम है, उनको बुद्धि काम नहीं किया, बोले भैया मेरे बुद्धि तो काम नहीं कर रहे, बोले भगवान से बढ़कर के नाम, अभी भगवान का विनिमय थोड़ी हो सकता है, दुनिया का मालिक है। बोले देखो चलो ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, दुनिया को सृष्टि करने वाले वो बताएंगे, चलो ब्रह्मा लोक में चलो। उसने कहा देखो मैं चल करके नहीं जा सकता, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। वो तो फंस गए बीच में, इतने में एक पालकी मंगवाए और पालकी में बैठा है, और एक तरह में जब महाराज दूसरे चित्रगुप्त हाँ कंधे पर लेकर के ब्रह्मा लोक में ले चले, ब्रह्मा जी दूर से देखे, बोले भैया ये कौन है ऐसे पुण्यात्मा इतने बड़े जिसको स्वयं जम और चित्रगुप्त कंधे पर ला रहे होगा, कोई बहुत बड़ा साधु होगा। उन्होंने तो आरती का थाला लेकर के अर्चना पात्र लेकर के वहां पर खड़े गए। जब वहां पर पहुंचे भैया ये कौन सा पुण्यात्मा आप कंधे पर लाए हो, बोले ये पुण्यात्मा नहीं ये पापात्मा है। बोले हमको ये बीच में फंसा दिया कुछ नहीं, कहते गुरु जी का मुंह से कृष्ण नाम सुना, गुरु जी बोले उद्धार होगा, वो कहते कृष्ण नाम का फल दो, हमने सारे शास्त्र ढूंढ लिया, हमें एक ही चीज मिला अभिन्नत्वात् नाम नाम, भगवान नाम से बढ़कर के भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम, हमारा तो बुद्धि भी काम नहीं किया। ब्रह्मा जी आप ही बताओ, ब्रह्मा जी चार वेद को ढूंढे है, चार वेद को वहां पर लिखा हुआ, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। ये भगवान कपिल देव अपना माँ के, बोले माँ अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है क्या समझना, बोले ये समझना उसने पूर्व जन्म में चार काम करके आया, बोले सारे तपस्या कर चुका, सारे यज्ञ कर चुका, सारे दान कर चुका, सारे तीर्थाटन कर चुका है, तभी इसी जीवन में किसकी मुंह से भगवान की माँ नाम निकलती है, है? नहीं तो माँ भगवान के नाम नहीं निकलता। जैसे नारद बोले वाल्मीकि को, पहले दशरथ ना करता, बोले राम बोल, लेकिन वो इतना पाप किया था उसको मुंह से भगवान के नाम ही नहीं निकला,
क्यों? कहते पापियों का मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलती है। देखना दिन भर बैठ करके सारा दुनिया की इधर उधर की बात गप्पे मारते रहेंगे, इधर हो गया इधर, बोले थोड़ी भगवान का नाम लो, बोले नहीं, बोले भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान का नाम, भगवान कह रहे माँ जिह्वा ग्रे, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, अगर जिह्वा के अग्रत देश में अगर भगवान का नाम कोई करता है, भगवान कहते माँ समझना सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भगवत धाम जो गमन करता है, तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं अगर जिह्वा की अग्रत से भगवान का नाम निकल गया तो पुण्य, और संपूर्ण जिह्वा में जो भगवान का नाम लेता है। हाँ, एक बार सबके सब हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे उसका तो महिमा बता नहीं सकते। ठाकुर कहते हैं अगर कोई कान से भगवान की कथा सुनते, बोले माँ समझो और पुण्यात्मा। कहते अगर कोई हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं, कहते माँ उसकी महिमा हम क्या बताएं। ऐसे सुतो गोस्वामी कहते हैं, कहते यहां से यहां तक हाथों में कंगन पहने, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं। कहते सबो करो बा कुरु तो सफर, जब वो हाथ नहीं वो बना हुआ हाथ है, बड़े सुंदर आग दिए, भले दिन भर बैठ कर को उल्टा पुलटा वो भी गद्दी गद देखते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दर्शन करते हैं। कहते भैया मौर्य पंखे में भी बड़े सुंदर सुंदर आग है, सारा दुनिया की बात सुनते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। बोले कान नहीं वो काल सर्प जिसमें सांप रहने वाले के, बोले दो बीन है, भगवान तैयार दिया लेकिन मंदिर परिक्रमा नहीं, तुलसी परिक्रमा नहीं, लेकिन सारे काम के लिए दुनिया जाते हैं। कहते ध्रुव जन्म भाजो, ये भागवत कहता है, बोले अगले जीवन में भगवान उसको पेड़ जन्म देते, बोले एक जगह खड़े रहो, तो मानव जन्म पानी में लायक नहीं है, ये 84 लाख जीवन में तेरे को मानव शरीर दिए, इसी से तुम सत्संग जा सकते थे, परिक्रमा भगवान की तुलसी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी तैयार में तुमने की नहीं। ये भागवत कहता है ध्रुव जन्म भाजो, भगवान कहते पेड़ बनकर की जगह खड़े रहो, वही पर खड़ जाए। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान कह रहे माँ अगर ये सब भक्ति का काम कोई करता है, समझना बड़ी पुण्यात्मा है। अभी ब्रह्मा जी का भी समझ में नहीं आया, भैया फिर क्या करें? फिर उन्होंने बोले भैया शंकर जी को पास में चलो, शंकर जी से पूछेंगे। जब बोले चल कर के नहीं, कंधे लगाना पड़ेगा, ब्रह्मा भी कंधे लगा। शंकर जी पार्वती दूर से देखे, बोले भैया पुण्यात्मा कौन है जिसको ब्रह्मा चित्रगुप्त और श्री जब महाराज ला रहे, शंकर पार्वती भी आरती का थाला लेकर खड़े रहे। जब वहां पर पहुंचे बोले ये पुण्यात्मा कौन है, बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा। बोले फिर आप क्यों ला रहे हो, बोले फंसा दिया बीच में हमें अभी। उन्होंने नहीं बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात करे शंकर जी। उन्होंने भी सारे ग्रंथ को ढूंढे है, इसलिए उनको सारे ग्रंथ, अपने सारे ग्रंथ में एक ही चीज मिला, कहते एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पापी रसाधन आए तत्व पाप हरे। इसका मतलब है एक भगवान के नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति एक नाम में, पापी का हिम्मत नहीं इतना पाप कर सकता है, एक भगवत नाम में इतने शक्ति भगवत नाम में। इसलिए बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम स्तम नमामि हरि परम। भगवान के नाम में इतने शक्ति, नाम से सारे पाप खत्म हो जाती है, जीवन में आनंद और जीवन में रस आ जाती है। अभी उनका दिमाग भी काम नहीं की शंकर जी को, बोले भैया क्या करे, बोले जिनका नाम है ना उनको पास में चलो, बोले चलो सबके सब, बोले चल करके नहीं कंधे लगाना पड़ेगा, शंकर भी कंधे लगा, शंकर जी ब्रह्मा चित्रगुप्त जब महाराज जब बैकुंठ में भगवान को पास में पहुंचे, भगवान का प्रभु तुम लोग को ये पुण्यात्मा कौन, आप लोग कंधे पर लाए हो? बोले प्रभु जी पुण्यात्मा नहीं पापात्मा, फंसा दिया बीच में हमें। बोले ये तो गुरु जी घर में आए थे, एक कृष्ण नाम सुना, गुरु जी बोले इससे तेरे कल्याण उधार हो गए, कहते हैं कृष्ण नाम दो, हम सारे शास्त्र को ढूंढ लिया, हर शास्त्र में एक ही बात कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु आप ही बताओ क्या फल है। भगवान ने उसको ले आया, जब ले आए उसको भगवान अपना गोद में बैठा दिया, बोले प्रभु बता क्या फल, बोले यही फल है
अगर शुद्ध भक्तों से एक कृष्ण नाम सुन करके अगर कोई उच्चार न करता है, जिनको स्वयं चित्रगुप्त, स्वयं जम महाराज, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर भी कंधे पर लेकर के मेरे धाम को लाना पड़ता है और एक दिन और मेरे गोद को स्थान पाता है। इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति, ठाकुर जी का नाम है, इतने शक्ति ठाकुर जी का नाम, इसलिए हम सबके सब भगवान की नाम जप करने चाहिए, ठीक है ना। सबके सब भगवान के सवेरे उठ करके है, सवेरे उठ करके थोड़ी समय ठाकुर के सामने बैठो, बैठ कर क्या करो, भगवान की नाम जप करो। भगवान की आप स्वयं देखना, जितने समय आप बैठ करके प्रभु का नाम जप करोगे ना, इतने शांति मिलेगा दुनिया में, करोड़ों संपत्ति से भी वो शांति नहीं मिलेगी। नहीं तो हनुमान जी क्या दिन भर जप करते, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सिद्ध, हनुमान क्यों जप करते हैं। शंकर जी कहते महामंत्र जयी जप करो तुम्हारी, शंकर भी महामंत्र को जप करते, बोले माता देवी हमको हाथ में चार हाथ में देखना की माला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राम रमे राम राम मन रमे सहस्र नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम राम है। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये नाम कह रहे हैं, पार्वती भगवान का नाम है, बड़े मीठा है, बड़ा मधुर है। इसलिए जितने आप दुनिया में जगत में जिन जिनियों को पूजा हो रही ना, आप देखना केवल नाम के प्रभाव से जितने प्रभु का नाम जबकि उसका ही जगत में उतना है। मीरा का नाम क्यों ले रहे हैं, दुनिया में तो बहुत सारी स्त्री हुई है लेकिन हम तो किसी स्त्री का नाम लेते हैं, लेकिन मीरा की है। इसलिए नरस है मीरा की, और जो भक्ति करने वाले इनका नाम सबके सब इनके नाम लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबके सब भगवान के नाम हमें जब करनी चाहिए, इससे ही हमें शांति सुख। और अब तो भारतीय लोग हैं, अब देखना जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, शरीर छूटता है, जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना हमारे देश में, बोले बेटा जितने तुमने भगवान का नाम जब किया, भक्ति किया है, तेरे साथ में वही जा रहे हैं और सबको ही बात झूठा है। इसके सिवाय जो कुछ तुमने किए हो सब झूठे में बिताया, पत्नी रो रो कर दरवाजे पर चलेगी, आगे तेरे साथ नहीं चलेगी, परिवार सब शांत पे चलेगी और उसको आगे कोई चलने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन अब तो ये भजन ज्ञान तो सब गाते हो, सब आप लोग हिंदी भाषी, इसलिए मीरा कहती जीवन में हमें क्या मिला, बोले जितने प्रभु की भजन किया, भक्ति किया, राम का नाम किया, केवल वही मिला और जगह में सबई को भाई। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोलो थोड़ी सी भगवान का नाम कर, बोले पैसा कमाने के लिए आए ना, बोले अभी हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम संतों का कहना है, बोले क्यों पैसा कमा, बोले बच्चों के लिए कुछ रख कर जाना है ना, बच्चों के लिए। लेकिन देखो साधुओं का कहना है बच्चों के लिए कुछ मत रखा करो, मना करते हैं, बोले क्यों, बोले बच्चा अगर होनहार होगा ना कमा ही लेगा, और जिसका बच्चा जितने पैसा कमा करके जाता है बच्चों के लिए, वो बच्चा उतना ही बिगड़ता है। शराब दुकान में जुआ खेल करके गंदी काम करते हुए सारे मांस मछली से आप देख लेना, जिसका पिता जितने बच्चों के लिए कमा कर गया बच्चा उतना ही नालायक और उतना ही गिरा हुआ होता है। बच्चा इतना कष्ट करके कमाया तुमने, बच्चे गंदे काम पर लगाए, उसका भी नरक में फल हो कर, क्यों तुमने पैसा कमा कर गया उसका फल कौन लेगा, शास्त्र कहता है तुम्हें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये पैसा कमाया, ये पैसा से बच्चे तुम्हारी बर्बाद हुई है, उसका फल तुमको लेना पड़ेगा, शास्त्र कहता है। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में रहेगा और उसको बाद में तो रहेगा ही। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भगवान की नाम धन को कमाओ, इसलिए सवेरे बैठ कर क्या करो, थोड़ी समय भगवान की, ठीक है ना, बैठ करके थोड़े समय भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, फिर तो दिन भर जो कुछ करो ठाकुर की सेवा मान कर हाथों में सेवा करो, काम करो और मन भगवान का नाम लो, बड़ा ही बार उधारी है, ठीक है ना।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Yeah.
उल्लू गोबर नहीं, कहते लक्ष्मी गरुड़ गोबर बैठ देता है। और गरुड़ कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहता है। गरुड़ वैकुंठ में, कहते वो घर को घर नहीं रहती, वो घर को माँ लक्ष्मी वैकुंठ बनाती है, क्योंकि लक्ष्मी की वहां पर आदर है लक्ष्मी। लेकिन अगर ज्यादा ही पैसा आ गया लेकिन वो ठाकुर का सेवा में नहीं लग रहा है, कहे तो भले ही लक्ष्मी ज्यादा आएगी लेकिन वो घर में शांति सुख रहने, वो घर में सुख में रहने नहीं देगी, इतने परेशानी कर देगी घर में, इतने दुखों कष्ट ले जाएगी, हाँ पैसा इतने दुखों कष्ट ले जाएगी, एकदम घर में परेशानी परेशानी घर में कर दे। क्यों? लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी के, लेकिन आप लक्ष्मी को भोग करना चाहते, आप लक्ष्मी को भोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये चीज हम याद रखनी चाहिए। इसलिए घर में अगर भक्त लोग आए, घर में कीर्तन हो, घर में सत्संग हो, घर में शांति सुख रहता है, घर में शांति सुख बने रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए बीच बीच में ये लोग, जैसे आप लोग जाते हैं ना, बीच बीच में आप लोग भी घर में ही भक्तों को बुलाओ, आएंगे कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा होगी, हाँ भगवान का कीर्तन का आवाज जितने दूर तक गूंजती है, जितने दूर तक गूंजती है, वहां पर सारे जो वातावरण बदल जाते हैं, सारे वातावरण वहां पर बदल जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल है भगवान का नाम, ठीक है ना। इसलिए पुरुषोत्तम प्रभु जी घर में सारे भक्त लोगों को बुलाए, है घर में आओ, घर में कीर्तन हो, सत्संग हो, इसलिए घर क्या हो गया, सब तो वृंदावन है, घर में ठाकुर का सेवा पूजा, और दिन भर पति पत्नी दोनों है, दोनों पति पत्नी सेवा में लगे रहते हैं, हर जगह भी जा करके। आपको पत्नी का नाम क्या है? ममता। ममता दीदी इधर आ जा, ममता दीदी कहाँ है? इधर आओ ममता दीदी, इधर ये दौड़ती रहती है, इधर आओ। हरे कृष्णा। हाँ ये दिन भर बहुत सेवा करती है, एकदम सब कथा करते सब 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 चले जाते हैं ना, ये एकदम लास्ट में जाती है, क्योंकि सारे बर्तन को साफ सुथरा करके है, और सारे हाँ बर्तन को धो धा करके जाकर साफ सुथरा बर्तन करके, और ये माता जी नहीं, वही माता जी, और सबके सब एकदम लास्ट में सेवा करते हुए जाती है। देखो जब तक सेवा नहीं करेंगे ना तब तक मेहमान नहीं मिलेगी, हाँ सबकी सेवा करने से सबका आशीर्वाद मिलता है, सबको आशीर्वाद मिलता है, हाँ इसलिए ये लोग दिन भर, ये पति पत्नी दिन भर हाँ गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए केवल यही नहीं, इनका पूरा जो परिवार है ना, इनके भैया भाभी, इनकी बहन, इनकी बेटी, इनका पूरा के पूरा परिवार, सबके सब इनका जितने दूर तक रिलेशन रिसीव है, जितने दूर तक है, ये सबके सब इनका परिवार जहाँ जहाँ रह रहे, विदेश देश विदेश में जहाँ, इनकी पूरा परिवार प्रभु की सेवा में लगे हुए। इसलिए भागवत में नरसिंह भगवान की बात भी कहते हैं, हाँ ये भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जिस समय भगवान नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु को वध किया, तो प्रह्लाद महाराज को भगवान कहते बेटा वर मांगो, हाँ बेटा वर मांगो, देखो बेटा अगर भक्त होता है ना कितने अच्छे होता है, बेटा अगर भजन करते कितने कितना दिन कितना बड़ा होता है, जिस पिता आप जानते हो, जिस पिता ने जिंदगी भर उसको मारने के लिए घुस आग में फेंक दिया, पहाड़ गोबर फेंक दिया, कारागार में बंद कर दिया, जब भगवान कहते वर मांगो क्या कहता है? प्रभु जी मेरे पिताजी को अपना चरण में भक्ति दे दो, पिताजी को मुक्ति करा दो, मेरे पिताजी को भक्ति दो। देखो अगर भक्त हो दिल कितना बड़ा, लेकिन अगर भक्त नहीं हो ना, भक्त नहीं हो ना जानते क्या है, अगर पिताजी अगर दो तीन बेटे, अगर किसी एक बेटे को इतना संपत्ति कम मिल गया और दूसरे को ज्यादा मिल गया, जिसको कम मिला है ना जिंदगी भर गाली निकालते रहेगा, डोकरा हमें कम दिया दूसरे भाई को ये दिया, अब देखो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे ना उसको मुंह से वो गाली निकालते रहेगा। लेकिन अगर बच्चे अगर भक्ति करने वाले हो ना, कहते मारने वाले पिताजी के लिए कल्याण सोचते हैं, पिताजी के हाल हो जाएगा पिताजी। देखो भगवान खुद क्या कहते हैं, बोले तुम्हें पिताजी की बात क्यों करते हो? बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा बसतिश्च धन्या नृत्यति स्वर्गी पितरी पितरे साम जैसाम कुले वैष्णव नाम धेय। भगवान नरसिंह कह रहे हैं जिस कुल में एक भक्ति करने वाले वैष्णव जन्म ग्रहण कर जाए, बोले त्रि सप्तमी पिता पुत्र भगवान खुद कह रहे, बोले तेरी 21 पीढ़ी उधार हो गई। जननी जो माता ने वो बच्चे को जन्म दिया, कहते पहले ये माता की उधार हो। जब ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे
बोले मेरी भैया कहा, बोले क्यों, बोले भैया की कृपा से ही आज मैंने आपको प्राप्त कर दिया है। भैया की आशा, भैया ने कहा जगत का पिता में कब तक रहेगा, गोद कब तक बैठेगा, दुनिया कब तक रहेगी है। अरे ऐसे पिताजी का गोद में बैठो जो बैठो कभी कभी उतरने का जरूरत नहीं, जो राज्य ऐसे मिलेगा जो राज्य चिरकाल के लिए रहेगा, जैसे ध्रुव लोग भगवान के लिए बनाए, ध्रुव तारा देखते हैं ना, जब तक दुनिया तब तक उसका स्मरण करते रहेंगे। तो मैया ने मेरे को आज भक्ति के मार्ग बताया, इसलिए आज मैंने प्रभु को प्राप्त किया, मैया को लिए बगैर नहीं जाएंगे। विष्णु दूत ने कहा देखो तेरे से पहले वो जो पहले रथ जा रहे हैं तेरी मैया जा रही है, उसको पीछे पीछे तू जाते हो, मैया का आगे तू नहीं, मैया आगे जा रही और तू पीछे पीछे जा, दिखा दिया उन्होंने बिल्कुल जा रही है। इसलिए वहां पर है, इसलिए अब रामायण पढ़े होंगे, रामायण पढ़ेंगे, वहां पर जब राम सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना मैया सुमित्रा के पास में आए, बोले भैया मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा के लिए जाऊं। सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न हो गई, सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासूस उत्तर। बोले बेटा तेरे जैसे बेटे के जन्म दे गए, आज मेरे वृद्धि एकदम छाती फूल रहा है, आनंद की सीमा नहीं। बोले क्यों, बोले उसी बेटे को जन्म देना सार्थक था अगर वो बेटा प्रभु का भजन करता है। और दूसरी लाइन में कहती है अगर बेटे को जन्म दिया भजन नहीं किया, वो कहती है सुमित्रा बांस होकर के रह जाओ, बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती सुमित्रा। बोले क्यों, बोले एक तो 9 महीना तो पेट में गर्भधारण करोगे, अरे प्रसव पीड़ा सहन करोगे, गिल्ली में सो करके सुखा में उसको सिलाओगे, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगे, बोले क्यों क्यों करोगे। सुमित्रा कहती क्यों करोगे इतने, अगर बेटा अगर गलत रास्ता पर जाए उसको नरक भोग करो, फिर नरक भोग कर इतना कष्ट करके पाल दिया, शराब पिएगा मांस खाएगा गंदा काम करेगा उसको भी पाप भोगना, जाओ नरक भोग कर। इसलिए सुमित्रा कहती है अगर भगवान के भजन में बच्चों को नहीं लगा पाए, बोले बांस जलकर रहो, बच्चे जन्म देने का कोई जरूरत नहीं, मना कर देती, बच्चे तभी बच्चे जन्म दो अगर वो बच्चे को प्रभु का भजन में लगा पाओगे, नहीं तो सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुवती जगत सोई जगत में वही मात्रा पुत्रवती बनने का लायक है, बोले रघुपति भक्ति जासूस उतर। अगर बेटा तुम्हारी भगवान की भक्ति करता तो, नहीं तो वो कहती है गर्भधारण करना बेकार है। इसलिए कहते हैं जननी गीता था उसकी माँ का जीवन, पिता माता का जीवन धन्य, बोले नृत्यंत स्वर्गे, जो हमारे पहले मेरे जो लोग चले गए वो जब देखते हैं घर में भक्ति करने वाले बच्चे आए ना, बोले नृत्यंती नाचना शुरू कर देते, हमारे अहोभाग्य है हमारा वंशन भक्ति करने वाले बच्चे आ गए, अभी कोई चिंता है अभी हमारा मुक्ति हो जाएगी। बोले वसुंधरा, बोले जिस पृथ्वी के ऊपर बच्चा जन्म ग्रहण करता वो पृथ्वी भी अपना को धन्य मानती, अहोभाग्य है हाँ हमारे गर्भ में एक बच्चा जन्म लिया, एक भक्ति करने वाले बच्चा, इसलिए वसुंधरा भी अपनी आपको कृतज्ञ मानती, भगवान दर्शनी देव कहते हैं। इसलिए आप लोग भी भक्ति करें, ठीक है ना, और घर में भी भक्त लोगों को बुलाओ, देखो जैसे संघ करते ना ऐसे रंग बदल जाते हैं, जैसे संघ करेंगे ऐसे रंग बदलेगा, अगर भक्तों का संघ करेंगे तो धीरे धीरे हम भी भक्त बनेंगे, हमारे बच्चे भी भक्त बनेंगे, है ना, हमारे धीरे धीरे आगे पीढ़ी भी भक्त बनेंगे। इसलिए आप लोग भी घर घर में भक्त लोगों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि चर्चा हो, फिर तो हमारे घर भगवान की धाम बन जाएगी, ठीक है ना। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जो कल है एक विशेष स्थिति है, हमारे जो भक्त लोग हैं अब लोग सुन लो, कल श्री अद्वैत सप्तमी, कल श्री अद्वैत प्रभु का जन्मतिथि है, कल चतुर्थ, इसलिए अद्वैत का जन्मतिथि में हम लोग जैसे एकादशी व्रत रखते हैं, एकादशी का दिन अन्न हम भोजन नहीं करते, इसलिए क्योंकि जैसे भगवान राम जब जन्म होते हैं, भगवान जब कृष्ण जन्म हुए, महाप्रभु जन्म हुए, हम लोग सब व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं जैसे एकादशी में, कल श्री अद्वैत प्रभु ये महाविष्णु की सदाशिवि है, ये महाविष्णु ये सदाशिवि है, इसलिए कल उनका जन्मतिथि होने का नाते हमारे जो भक्त लोग हैं कल सबके सब व्रत रखना, ठीक है ना। जैसे दोपहर तक तो कुछ खाना नहीं, उसके बाद में घर में ठाकुर होगा अभिषेक करके उनका चरणामृत लेकर के एकादशी का दिन जैसे आप प्रसाद ग्रहण करते हो, जैसे फल फूल जैसे एकादशी में लेते हो, ठीक वैसे ही एकादशी जैसे आप लोग सबको सबको व्रत रखें, ठीक है ना। और आप उनकी आप लोग थोड़ा उनकी कथा सुन लो, ये अद्वैत प्रभु कौन है, जगत में क्यों आए, ये हमें क्या दिया है, ये इनका नाम ही अ
द्वैत और मतलब होता है नहीं, अरे द्वैत मतलब होता है दो है, है? जो दो नहीं वो एक ही है, मतलब है ये भगवान से ये अभिन्न है, ये महाविष्णु से सदा शिव है, इनकी ये अवतार श्री अद्वैताचार्य के जब से चैतन्य महाप्रभु आने से पहले इन्होंने इस जगत में आया और आकर के उन्होंने ये जगत का दुर्दशा को देखा उस करीब 500 साल पहले, हाँ उस समय जो दुर्दशा थी उस समय तो मुसलमान का ही राजत्व था भारत में, मुस्लिम का राजत्व था उस समय, और जो लोग हिंदू लोग भी थे वो लोग भी गीता भागवत तो पढ़ते थे लेकिन उसका जो तात्पर्य जो समझते नहीं थे, आपस आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और बंगाल में दुर्गा देवी की पूजा करते थे और उसको सामने बलि चढ़ाया करते थे और मांस मदिरा झगड़ा भगवान की भक्ति भक्ति कुछ है नहीं। अगर इसको पास में कुतियों को शादी में करोड़ रुपया खर्चा करते थे लेकिन भगवान की भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं था। जब से अद्वैत आचार्य आए बड़े चिंता में पड़े क्योंकि ये महाविष्णु है, महाविष्णु कौन है जिनसे ये दुनिया सृष्टि होता है। जैसे आप किसी बच्चे को जन्म देंगे हर पिता माता चाहते बच्चे अच्छे बने, लिखाई पढ़ाई करे, नौकरी चाकरी करे, अच्छे हर पिता माता की यही सोच है बच्चे हमारे होनहार बने। अगर बच्चे अगर बिगड़ते हैं पिता माता का मन दूर होता है। उसी तरह ये महाविष्णु होने का नाते जगत का सृष्टि करने वाले जब उन्होंने देखा जी ये सबसे सब कृष्ण बहिर्मुख में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति भक्ति से इनका कोई मतलब नहीं, विषय भोग में अपना समय को गुजरा रहे गुजार रहे, इसलिए उन्होंने बड़े दुखी हुए। उन्होंने बड़े दुखी होकर के सोचा अभी क्या करनी चाहिए, अभी क्या करनी चाहिए वो सोच रहे क्योंकि वो सदाशिव है, सदाशिव होने का नाते कलियुग का जो युग धर्म है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कलियुग के कल नाम चतुर्युग बीतने का बाद फिर एक बार ये कलयुग आता है और हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते, हर द्वापर में प्रभु कृष्ण नहीं आते, हर कली में महाप्रभु नहीं आते, ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा दिन तक ब्रह्मा का एक दिन, इसलिए अद्वैत आचार्य प्रभु सोच रहे हैं मैं तो ये हरि कीर्तन को प्रचार कर सकता हूँ, हरि नाम को मैं प्रचार कर सकता हूँ लेकिन ये धन्य कलयुग में श्री महाप्रभु आएंगे सबको ब्रज प्रेम प्रदान करेंगे, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु आसानी से हर जीव को महाप्रभु प्रेम देंगे। और महाप्रभु का भविष्यवाणी है पृथ्वी ते आचिगत नगरा दिग्रा सर्वत्र प्रचार है बिना, भगवान का भविष्यवाणी एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण पृथ्वी में भगवान का नाम पूछेगा, गली गलियों में शहर शहर में सर्वत्र हरि कीर्तन सबके सब करेगी, संसार का सारे दुख कष्ट चली जाएगी, सब लोग सुखी होकर के भगवान के नाम कीर्तन करेंगे। एक बार सबके सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे।
यही काम चैतन्य महाप्रभु आप करके कर सकते हैं, मेरे प्रभु आकर कर सकते हैं, वो प्रेम को दे सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता ये काम को। तो उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़े, ऐसे कौन सा उपाय है जो भगवान जल्दी जल्दी खुश हो जाते, जल्दी जल्दी रीत जाते। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ते पढ़ते एक श्लोक हमको मिला, बोले तुलसी दल मात्रेण तुलस्य चुलिते नमः। इसका मतलब है अगर एक अपना अंजलि में गंगा पानी उगा हुआ और उसमें तुलसी दल दे दो और ठाकुर जी को उसको अर्पण कर दो, ठाकुर जी को अर्पण कर दो, बोले भगवान उसको द्वारा इतने रीझ जाते हैं, उसकी ऋणी चुकाने के लिए भगवान सर खुजला लेते, हम सर कम खुल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा ऋणी बन जाए, ऋणी को हम कैसे चुकाएंगे, फिर हम सर खुजला, भगवान उसको ऋणी चुकाने के लिए सर खुजला कर देते हैं। मतलब ये गंगा पानी तुलसी में इतने शक्ति, गंगा पानी में ये साक्षात भगवान की चरणा में बैठा देते हैं। और तुलसी कहते ना वृंदाई तुलसी देते ही भगवान की बहुत प्यारी श्री ये तुलसी है, भगवान को प्रेम करने वाले। उन्होंने ये श्लोक को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा पानी और तुलसी को लेकर उन्होंने भगवान को अर्पण किया। जब भगवान को अर्पण किया उसमें इतने शक्ति थी, भगवान स्वयं कहते हैं सुतिया आचे में थी समुद्र सागरे नित्रा भंग है लमर धारा ही। इसका मतलब है महाप्रभु कहते मैं खीर समुद्र में सो रहा था अनंतनाग ऊपर में, लेकिन अद्वैत आचार्य जी ने ऐसे आह्वान की मेरे आसन को उसने हिला दिया, इसलिए महाप्रभु इसको कहते हैं नाड़ा, नाड़ा मतलब जो हिला देना, मेरे आसन को उसने, मेरे आसन को उन्होंने हिला दिया है, इसलिए महाप्रभु की कृपा से इसी जगत में इनकी कृपा से आए, इसलिए इनका एक नाम है गौरव आना ठाकुर। मतलब जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु दुनिया में अवतीर्ण उन्होंने कराया, जिसको हम लोग भजन गाते हैं ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा करे भाई चैतन्य सीता। प्रभु आपकी कृपा से हमें महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिले, उन्होंने ऐसे ही महाप्रभु जगत में उन्होंने अवतीर्ण कराया, अवतीर्ण करा के इनकी एक टोल थी उस समय स्वयं शंकर सदा से टोल में सारी गीता भागवत पुराण सब पढ़ाया करते थे। और इनके जो एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वजीत, उसमें बलदेव प्रभु, वो टोल में ये पढ़ते थे। जब पढ़ते थे कभी कभी सची मैया जब घर में रोसोई बन जाती थी, वो टोल के घर को पास में, कभी कभी सची मैया से निमाए को महाप्रभु को बोलते थे बेटा जा बड़े भैया को बुला कर ले आओ, घर में खाना बन गया। महाप्रभु समय छोटे बच्चे 3-4 साल 5 साल के एकदम नंगे धड़े के एकदम नंगे होकर पूरा टोल में चले जाते थे, बोले भैया भैया मैया बुला रही है, घर में खाना बन चुकी है, खाना खाने के लिए जाओ। जब अद्वैत आचार्य जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, जब महाप्रभु अंदर में घुसते ही और वहां पर जितने छात्र लगे थे ना सबके सब महाप्रभु के भक्त लोग, महाप्रभु प्रवेश करते ही उनकी पढ़ाई बंद हो जाती थी, वो महाप्रभु को टक्कर देखना शुरू कर देते थे और जितने छात्र होते थे सबके सब महाप्रभु का रूप देखकर मुग्ध हो जाते थे। अद्वैत आचार्य सोचते थे बच्चा देखो, लेकिन उनको पता नहीं वही कृष्ण ही अभी श्री महाप्रभु बन करके आए, अभी उन्होंने अपना स्वरूप को प्रकाश नहीं किए, लेकिन बच्चा आते ही मेरा एकदम मन प्राण चित्त ये बच्चे में लग जाता है और सारे बच्चे उनको देखने लग जाते, क्यों बच्चे को नहीं वो सबके सब महाप्रभु का भक्त है और भक्तों को देखते ही स्वाभाविक रूप में भगवान को दर्शन करते ही भक्तों को स्वाभाविक रूप में उनको प्रति आनंद और प्रेम आता है। हाँ, इसलिए महाप्रभु विश्वरूप का कपड़ा खेसते थे, देखते थे लो अभी तो पहचान नहीं पा रहे हो मैं कौन हूँ, तुमने मेरे को बुलाया ना, मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था अब तुमने बुला के बड़े मैंने आया हूँ, अभी तो मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ, इसलिए इनकी जो पिताजी थे उस समय जो राज दरबार में इनके पिताजी राज पुरोहित थे, इनके पिताजी जब ये छोटे बच्चे थे एक बार उन्होंने पिताजी के साथ में वो राज दरबार में बहुत बड़ी देवी मूर्ति थी काली पत्थर की, एकदम काली पत्थर की बहुत बड़ी देवी मूर्ति, सारा दुनिया उनको दर्शन करने आते थे। एक दिन उन्होंने पिताजी के साथ में गए, जब गए सारा दुनिया माँ देवी को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ये प्रणाम नहीं कर रहे थे, ये ऐसे खड़े हुए थे। राजा ने पुरोहित उनके पिताजी कुल पुरोहित थे, बोले देख क्या सारा दुनिया मैया को चरण में प्रणाम कर रही,
और तेरे बेटे देखोगे ये घमंड जैसे तू अखड़ जैसे खड़े हुए प्रणाम नहीं कर रहा है। तो इनको पिताजी ने पूछा, बेटा जी सात देवी को प्रणाम करो, देखो क्या कहता है। बोले पिताजी जो देवी है ना मेरे प्रणाम को ये स्वीकार नहीं कर सकते, ये फट जाएगी, मतलब मैं प्रणाम करूंगा। वहां पर राजा और मंत्री सबके सब खड़े हुए थे और ये छोटे बच्चे की ये बात सुनकर बोले क्या कहता है, कहते प्रणाम करने पर देवी मूर्ति फट जाएगी। बोले इतना अभिमान, बोले ठीक है तुम प्रणाम करो हम देखते हैं। जब उन्होंने माँ देवी को प्रणाम की, प्रणाम करते हुए देवी मूर्ति बिना पत्थर की एकदम टुकड़े टुकड़े होकर फट गई, एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई। सारा दुनिया देखते थे, बोले बच्चा कौन है ये, बच्चा कौन है सदा से ये महाविष्णु है। कहते देवी कौन है, बोले भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इनकी भगवान की ये बहिरंगा शक्ति, भगवान की दो शक्ति अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, अंतरा शक्ति श्री राधा रानी लक्ष्मी सीता ये सब है। इनकी जो बहिरंगा शक्ति जो माया जिसने ये दुनिया को सृष्टि की, इनकी बहिरंगा शक्ति है और ये मूल श्री सदाशिव है। और इसलिए पति का प्रणाम, ये तो जो बहिरंगा शक्ति ये पत्नी कैसे सहन कर सकती है, अगर पति अगर प्रणाम करे पत्नी को है वो सहन नहीं कर सकती। इसलिए माँ देवी एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई, घर तो सबके सब समझ गए भैया ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए इनका बचपन का नाम पिता माता ने रखा था, एक तो अद्वैत नाम था, दूसरे नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष मतलब है जिनकी जो आंख है कमल जैसी, मतलब ये महाविष्णु है, महाविष्णु इसलिए इनकी आंख भगवान जिसे कमल नयन कहते हैं ना, ऐसे इनको आंख एकदम तो बड़ी बड़ी आंख एकदम लंबी यहाँ तक उनकी आंख भी देखना है। इसलिए इनका बचपन का नाम रख दिया कमलाक्ष, इनका नाम रखे। अभी धीरे 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 इनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं इनके जीवन में आती है। अद्वैत आचार्य प्रभु जी की, इन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बच्चे थे, धीरे धीरे लिखाई पढ़ाई किए खड़े हुए, उसके बाद महाप्रभु जब एक दिन अपना सही स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया, जब महाप्रभु गया गए पिताजी का पिंड प्रदान करके वापस आए, एक दिन महाप्रभु भगवान विष्णु को खटिया के ऊपर बैठ गए और अपना स्वरूप को उन्होंने दर्शन दिया, जो जिस रूप को उपासना करते थे हैं। इसलिए मुरारी गुप्त को उन्होंने श्री राम रूप में दर्शन दिया, नरसिंहानंद को उन्होंने नृसिंह रूप में दर्शन दिया, जो जिसको जिस रूप में उपासना करते थे महाप्रभु सब रूप को उन्होंने दर्शन कराया। और दर्शन करा के महाप्रभु बोले नारा 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 नारा। बोलो भैया नारा नारा क्यों कह रहे, किसको नारा बोल रहे, बोलो प्रभु नारा कौन है। तो महाप्रभु ने कहा मैंने कि खीर समुद्र में विश्राम कर रहा था, उसने मेरे को बुला करके यहाँ पर लाया है, इसका नाम अद्वैत आचार्य जिसको कहते हो, उन्होंने नहीं मेरे को इस जगत में बुलाया, जाओ उनको बुला कर बुलाओ। इतने में एक भक्त थे हैं श्री नंदन श्री मुकुंद कोई भक्त थे, उन्होंने भक्त को उन्होंने भेजा जाओ श्री महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी को बुलाओ। तो उन्होंने जाकर बोले अद्वैत आचार्य जी आप जिसके लिए इतने आराधना किया, इतने तपस्या किया है, इतने कठोर मेहनत किया, भगवान जगत में आ गए, वो आपको बुला रहे हैं, अब आओ। सुन करके इतने प्रसन्न हुए। उनकी दो पत्नी थी क्योंकि सदाशिव है ना, तो दो पत्नी थी सीता देवी, हाँ उन्होंने सीता देवी को साथ में सारे धूप दीप अगुर कर्पूर जो तुलसी चंदन को लेकर के आए। जब आए अभी वो परीक्षा कर रहे हैं, क्या ये सचमुच से मेरे प्रभु है, अगर ये सचमुच से मेरे प्रभु है तो मेरे को पहचान जाएंगे। इसलिए उन्होंने किया कि अपना घर में तक आए, लेकिन एक भक्त थे जिनका नाम था नंदन आचार्य, उन्होंने आकर उनके घर में छुप गए और घर में छुप गए अद्वैत आचार्य। अगर भगवान होंगे मेरे को बुलाएंगे, मैं कहां पर बताएंगे। जब वो भक्त आए आकर के बोले मैं उनको बुलाया, महाप्रभु खुद बोल रहे ओ वो मेरे को परीक्षा कर रहा है, मेरे को परीक्षा कर रहा है, मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, जाओ श्री नंदन आचार्य के घर में चले जाओ, उसी घर में बैठा हुआ मेरे को परीक्षा कर रहा है, जाओ उसको बोल करके बुला करके ले आओ। फिर तो श्री अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न होकर के आए, महाप्रभु का चरणों को अभिषेक किया, बच्चा वृत्त द्वारा मृत्यु महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हैं, बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कहते महाप्रभु को ने बोले नमो ब्रह्मण देवाय
ब्राह्मण का जो देवता है वो ब्राह्मण को पृथ्वी को हित करने वाले ऐसे भगवान के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। फिर महाप्रभु धीरे 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 अपना आत्म प्रकाश किया। फिर महाप्रभु धीरे 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 ये संकीर्तन प्रारंभ किया। फिर करताल लेकर के अपना भक्तों को साथ में गली गलियों में जाकर के ये हरि कीर्तन शुरू किया। बोले क्यों? बोले भगवान का कीर्तन करने से जिधर जिधर उनका नाम से आवाज गूंजेगा सर्वत्र कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। इनकी जीवन में एक घटना आती है। बोले एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे थे लेकिन अपना मैया का नाम नहीं ले रहे। श्रीवास पंडित ने महाप्रभु से बोले, बोले प्रभु आप तो सबको प्रेम दे रहे हो, अपना मैया सचिवा क्यों प्रेम नहीं देते हो? बोले देखो उसने वैष्णव अपराध किया, उसने वैष्णव अपराध किया। इतने में जब सची माँ ने सुना मेरे को महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे और मैंने वैष्णव अपराध किया, अगर जीवन पा करके अगर हमें भक्ति नहीं मिले कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा तो जीवन बेकार है, जीवन रख करके तो कोई लाभ नहीं। बोले किसकी चरण में? बोले अद्वैत आचार्य के चरण। बोले कैसे कैसे अपराध की? बोले इनकी दो बेटे थे सची माँ की, बड़ा बेटा तो विश्वरूप, छोटा बेटा इनका बड़ा भाई जाते थे उनकी टोल में पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ते 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 उनको जो ज्ञान आया, उनको जो पूर्ण ज्ञान मिला ये जीवन किया है और 84 लाख जन्मों के बाद भी ये जीवन मिला, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते, केवल इसी जीवन में ही प्रभु का भक्ति करते हुए हम प्रभु का तक पहुंच सकते हैं ये चीज पता चला तो उन्होंने घर द्वार छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया। जब सन्यास ग्रहण किए ये बात को जब सची माँ ने सुना मेरा बेटा सन्यास ले लिया, थोड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर थोड़ी सी इतनी शब्द केवल बोल दी, बोले केवल अद्वैत चार द्वैत करेगा। इनका नाम अद्वैत, अद्वैत मतलब जो सबको एक कठिन रहते लेकिन ये तो द्वैत है, मेरे बेटे को उसने साधु बना दिया। हर पिता माता क्या सोचते भारत में जब हम वृद्ध हो जाएंगे हमारा बच्चे हमें पालन करेगी, बच्चे हमें देखेंगे ना, बच्चे हमें देखेंगे, बुढ़ापा में ये हमारी लठिया बनेंगे बच्चे। हर पिता माता की यही इच्छा। और मेरे बेटे को उसने ऐसे मंत्र पढ़ाया सिखाया और बेटे साधु, उन्होंने केवल दुखी होकर इतनी सी बात बता दी। इसलिए महाप्रभु बोले कि अद्वैत का चरण में अपराध है, इसको प्रेम नहीं दूंगा। खैर नहीं, फिर अद्वैत आचार्य जी को पास में गए, उनके चरण में गिर पड़े, उनके चरण पकड़ करके उनसे माफी मांगे, फिर महाप्रभु प्रेम प्रदान करते। इसलिए महाप्रभु की शिक्षा यहाँ पर दिया, देखो भक्ति राज्य में किसी की कृषि साज्य हमें नहीं करनी चाहिए, किसकी निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसकी बुराई करेंगे जिसकी निंदा करेंगे ना उसको जितने सारे गंदे गुण सब हमारे अंदर में आ जाएगा और जितने हमारे अच्छे गुण सबके साथ उसको पास में चले जाएगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जगत में जितने जीव है सब एक भगवान की सब संतान, हम एक पिता की सब संतान है, एक पिता की संतान है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यता है, सबके सब भगवान की सब। इसलिए इसलिए चैतन्य भागवत में बताए कहर ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी बोले। इस संसार से कौन पार हो सकता है जो किसी की कोई बुराई नहीं करता है, हर समय भगवान के नाम जप करता है, वही व्यक्ति संसार से वही पार हो सकता है। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए जब संन्यास ग्रहण किए संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु जगन्नाथपुर जा रहे थे लेकिन उनको किसी तरह से नित्यानंद प्रभु भूला भटकते गए ना, उनको ले आए इसलिए शांतिपुर। शांतिपुर को गए हो? कौन कौन शांतिपुर गए? शांतिपुर नहीं गए? शांतिपुर कौन कौन गए सबके साथ? हाँ, इसलिए वहीं पर श्री अद्वैत आचार्य वहीं पर निवास करते थे और उनको उनको नित्यानंद प्रभु उनको महाप्रभु तो प्रेम में कहाँ जाओ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाने पर हमें कृष्ण मिलेगी, वो दोनों हाथ उठा करके प्रभु का प्रेम में महाप्रभु जा रहे थे। उनको उनको रास्ता भुला करके ले आए कहाँ पर? ले आए अद्वैत आचार्य गुरु घर में। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए वस्त्र लेकर पहुंच गए वहां पर गंगा को किनारा में और बोले यहीं पर नित्यानंद प्रभु ने स्नान करी जमुना है। जब उन्होंने स्नान करके उठे इतने में देखा अद्वैत आचार्य, बोले अद्वैत तू कहाँ जा, तू तो शांतिपुर में रहते हो। बोले ओ ये नित्यानंद प्रभु पर आस्था भुला कर यहाँ ले आए और बोले यहाँ जमुना में स्नान करो। बोले प्रभु यहाँ पर गंगा जमुना दोनों बह रहे हैं,
नवद्वीप में एक तरफ गंगा और दूसरे तरफ यमुना, एक साथ में दोनों नदी बह रही है। बोले जिस तरफ में आपने स्नान किया वही यमुना है, वो यमुना है वहां पर, और आप तो जहाँ स्नान करेंगे वही गंगा वही यमुना है। अरे उन्होंने महाप्रभु को लेकर के अद्वैत आचार्य अपना घर में लेकर के आए, वहीं पर नित्यानंद अद्वैत और महाप्रभु फिर वहीं पर बैठ करके चर्चा किए कि जगत में हम भगवान की भक्ति कैसे जगत में प्रचार कर सकते हैं। फिर वहीं से तीनों बैठ करके मीटिंग करके सारा दुनिया में हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार की। सारे नवद्वीप धामवासी वहीं पर दर्शन करने के लिए आए, सची मैया वहीं पर उनके लिए सुंदर सुंदर रसोई बना करके वहीं पर खिलाया करती थी। इसलिए एक दिन अद्वैत आचार्य ने कहा तो बहुत खतरनाक टाइम हो गया, और भगवान के नाम देख रहे हो, अगर ये महापुरुष नहीं आते हैं ना ये जगत में, हम जो थोड़ी बहुत भगवान का नाम कीर्तन कीर्तन सुन रहे हैं ना, जगत में कोई भी ये कीर्तन कीर्तन नहीं करता। अगर ये महापुरुष नहीं आते, एक संत कह रहे थे दुनिया में नहीं जाते, क्योंकि भगवान ये दुनिया को ध्वंस कर देंगे। कब तक ध्वंस नहीं करेंगे, जब तक कोई भजन कर रहा है तब तक ठाकुर ध्वंस नहीं करेंगे। आप लोग तो न्यूज में देखते होंगे एक दूसरे देश को शत्रु बन रहे हैं, वो फेंकने के लिए धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। यदि ये महापुरुष अगर नहीं आते ना ये दुनिया ध्वंस हो जाता। अगर प्रभुपाद ये नहीं आते, प्रभुपाद नहीं आते, भगवान दुनिया को खत्म कर देते। भगवान दुनिया को नहीं रखते, बोले क्यों रखेंगे, जब कोई भक्ति नहीं करेगा दुनिया को रखकर क्या काम है। इसलिए जब तक भक्ति करेंगे भजन करेंगे तब तक ये दुनिया ठीक ठाक रहेगा, जब भक्ति नहीं करेंगे ना बस आउट ऑफ डाउन गिरेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इनकी वजह से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए ये महापुरुष जब श्री है ये महापुरुष ने महाप्रभु को जगत में लेकर आए। एक दिन महाप्रभु क्या करते थे, इनके जो गुरुदेव इनके गुरु जी का नाम से माधव करते थे, महाप्रभु के गुरु जी की गुरु जी, महाप्रभु गुरु जी का नाम श्री ईश्वरपुरी और उनको गुरु जी का नाम श्री माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी का शिष्य श्री अद्वैताचार्य। लेकिन तत्व देखो तो तत्व से बड़े कौन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, और श्री अद्वैताचार्य कौन, कभी श्री महाप्रभु से अभिन्न नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद से चतुर्विहो से कानंद गोसाई। ये कानंद गोसाई कौन है, कभी ये महाविष्णु से अद्वैताचार्य है। इसलिए महाप्रभु कौन, ये सर्व कारण का कारण भगवान है और ये उनका अंश का अंश कारण है, ये जो तत्व। लेकिन जब व्यवहार की चीज देखते हैं अद्वैत आचार्य महाप्रभु के गुरु वर्ग, क्योंकि उन्होंने श्री माधवेंद्रपुरी से उन्होंने दीक्षा मंत्र ली। इसलिए लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, उनको चरण में पढ़ते थे, उनको प्रणाम करते थे, और श्री अद्वैत आचार्य जो बड़े दुखी होते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य थोड़ा वृद्ध हो गए तो महाप्रभु को उनका एकदम जवान है, कभी कभी महाप्रभु जोर जबरदस्त उनका चरण लिए और वो उसी विषय पर बड़े दुखी होते थे, हैं? बड़े दुखी होते थे। एक दिन उन्होंने सोचा मैं ऐसे कुछ काम करूंगा जो महाप्रभु हमें शासन करेगा। एक दिन उन्होंने किसी भक्तों घर में गए और उन्होंने योग वासिष्ठ व्याख्या करना शुरू किया। योग वासिष्ठ मतलब होता है भगवान भगवान कुछ है नहीं, भगवान निराकार है, उनका आकार नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं उनकी, वो निराकार तत्व है। और कहते उनको कहते माया ने ये ब्रह्म को जो दास कर लिया, पकड़ लिया, वही ब्रह्म ही अब ये कृष्ण राम रूप में आ गए, इनकी भी जब मुक्ति होगी वही ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान बड़ा है और भक्ति छोटी है। उन्होंने तो ज्ञान की महिमा गाना शुरू कर दिया और महाप्रभु सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जब भगवान को निराकार बोलता है और भक्ति को छोटा करके ज्ञान को बड़ा करते हैं। महाप्रभु को इतने क्रोध आया, महाप्रभु बोले तुमने मेरे को बुला करके लाया वैकुंठ से और यहाँ आकर के तुम ज्ञान की बड़ा बड़ाई कर रहे हो। महाप्रभु वहां पर गए और उनको इतने पिटाई उनको किया। जब उन्होंने पिटाई किया ना पीढ़ी लेकर के, उनकी जो पत्नी बोले भैया बुढ़ा मर जाएगा, क्यों इतना मार रहे हो, छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन अद्वैत आचार्य तो बड़े खुश होकर नाच रहे थे, बोले हाँ मेरे को पहले प्रणाम करता था अभी तो पता चल गया है।
इसलिए वो यही चाहते थे मेरे को शासन करे, क्यों, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु ने। इसलिए अद्वैत आचार्य जी का घर में महाप्रभु जब रहे, उनकी पत्नी और इन्होंने महाप्रभु इतना अपना व्यंजन भोजन इतने तरह तरह का रोज रोज बना बना करके उनको खाना खिलाया करते थे। जब अद्वैत आचार्य जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में थे, जब महाप्रभु को उन्हें सन्यासी महाप्रभु जब निमंत्रण करते थे, महाप्रभु को भी अकल नहीं आती, सब भक्तों लोगों को लेकर जाते थे। और महाप्रभु थे सन्यासी, सन्यासी होने के नाते वो बहुत सीधा सीधा खाना खाते थे। बोले मेरे को चावल दे दो और गड्ढे का सब्जी, गड्ढे का सब्जी सब मिक्सी सब्जी होता है ना, कहते मेरे को ये दे दो और जितने बढ़िया केक पिज्जा पास्ता ये सब दे सो मेरे भक्तों को। महाप्रभु को ही तो संन्यास दे ना, इसलिए वो आदर से देने के लिए कहे मेरे को तो एकदम सीधा सीधा चीज दे दो, साधा चावल दे दो, थोड़ा सब्जी दे दो और जितने बढ़िया बढ़िया केक बनाया और मिठाई है ना मीठा पाना बंगला में, कहते ये सब सब भक्त लोग खिला। महाप्रभु कभी अच्छी चीजें नहीं खाते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य बड़े दुखी होते थे, कहते मैं बनाता हूँ तो प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु कुछ खाते नहीं सब भक्तों को बांट देते। एक दिन सोचा मेरी मन में एक दिन इच्छा है केवल श्री महाप्रभु को अकेले में बुलाऊ और जी भर करके उनको मैं खाना खिलाऊ। एक दिन पति पत्नी दोनों मिलकर के इतने तरह तरह का छापन भोग और छत्री से व्यंजन उन्होंने बनाया और सोच रहे हैं आज हमने इतने तरह तरह का खाना बनाया, अगर आज महाप्रभु अकेले आए ना आज हम जी भर करके खिलाना चाहते हैं। अब इनकी भावना को समझ करके इंद्र समझ गए, इंद्र में महाप्रभु समुद्र में रोज स्नान करने जाते थे, भक्तों के साथ में जो आ रहे थे ना, इतने आंधी तूफान, इतने आंधी तूफान आया, चारों तरफ में अंधकार अंधकार छा गया, कौन किधर गया उसको पता ही नहीं चला, और महाप्रभु अकेले घर में आए, देख करके इतने खुश हो गए, बोले मैं यही चाह रहा था आज अकेले महाप्रभु को बैठा करके खाना खिलाओ। तो उन्होंने जी भर करके महाप्रभु को जितने बनाया था महाप्रभु को अच्छे तरह से उन्होंने भोजन कराया, तो महाप्रभु की इतने सेवा करते थे। अभी इनकी वजह से कहते इनकी वजह से उन्होंने महाप्रभु जगत में आए। एक नियम होता है जिनको बुला घर में उनको विदाई भी तो देनी चाहिए, घर में जिसको बुला उसको विदाई देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बुलाया महाप्रभु बोलो वृंदावन से विदाई भी देनी चाहिए। इन्होंने नवद्वीप में थे, महाप्रभुपुरी में थे, एक श्री जगदानंद पंडित जो कृष्ण लीला में सत्यवान वो कभी नवद्वीप गए थे, अद्वैत आचार्य एक पत्र लिख करके इनके हाथ में दे दिया, बोले इसको महाप्रभु के हाथ में चुपचाप दे। महाप्रभु भक्तों के साथ में बैठे हुए थे, जो वो भक्त आए महाप्रभु के हाथ में वो पत्र पत्र को दे दिया, महाप्रभु वो पत्र को लिखे, पत्र को पढ़े, पत्र में लिखा हुआ था एक पागल दूसरे पागलों को बता रहा है, एक पागल दूसरे पागल तो है ही है, कहते ना कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने पागल है ना सब झूठा पागल है, बोले सच्चा पागल कौन है, जो सच्चा पागल वो है जो पागल है इसे बात के बिहारी के, भगवान के प्रेम में जो पागल होने वो सही पागल है, वही सही पागल है। तो कह रहे एक पागल एक दूसरे पागलों को बता रहे हैं, क्या बता रहा है, बोले देखो हाटे ना बिकाई चाओ, मतलब आप जिस प्रेम को देने के लिए गोलोक वृंदावन से आए थे प्रचुर परिवार में सर्वत्र वो प्रेम का आपको बांट चुके हो और ये प्रेम बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आप कृपा करके आए थे जो काम के लिए वो काम पूरी हो गया, हे प्रभु अगर आप चाहते हो हम अपना धाम वापस जाए, मैंने आपको बुलाया था मेरा कर्तव्य है आपको भेजना धाम में, अगर चाहते हो आप फिर वापस जा सकते हो। जो महाप्रभु ने इतने बात को पढ़े ना एकदम महाप्रभु बदली हो गई, क्यों अभी दुनिया छोड़कर प्रभु को जाना, उसको बाद में उन्होंने संपूर्ण जिस काम के लिए आए थे, किस काम के लिए आए थे, राधा जी की प्रेम की क्या राधा रानी कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करके कृष्ण प्रेम में दीवानी कैसे बनती है, कृष्ण कितने सुंदर है जिस सुंदरता को श्री राधा रानी जी सुंदरता को आस्वादन करती है, इसी के लिए महाप्रभु आए थे। और उन्होंने पूरा गंभीरा में गंभीर होकर के दिन रात उसी भाव में डूबते हुए और उन्होंने लास्ट में जब चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हुए एक साथ में दो जगह पर वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान जो है ना भगवान किसको कहते हैं, जैसे भगवान राम आए, भगवान कैसे गए राम, अब राम लीला देखे होंगे सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, वैकुंठ से रथ आ रहे हैं, जितने अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु सत्सरी में
अपना धाम को दिए। कृष्ण भी ऐसे गए, महाप्रभु एक साथ में दो जगह में दर्शन देते हैं, एक श्री जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन करते करते महाप्रभु हठात मंदिर में प्रवेश किए, प्रवेश करके दरवाजा बंद हो गया, भक्तों लोग बोले क्या हो गया, कीर्तन करते करते महाप्रभु अंदर में गए और दरवाजा बंद हो गया, जब दरवाजा खुले ना एक महाप्रभु हो गए। और पुरी में और एक मंदिर है तोटा गोपीनाथ, गोपीनाथ जी बड़े बड़े विग्रह है, वहां पर भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते महाप्रभु हठात मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर बंद हो गई और मंदिर जब खोले देखते महाप्रभु वहां पर है नहीं, लेकिन उनका एक चंगा है थोड़ी सी वहां पर थोड़ी सी दाग है केवल उनकी, मतलब महाप्रभु उनके अंदर में वही कृष्ण ही है, इसलिए उनका चरण महाप्रभु मिल गए। एक साथ में उन्होंने दो जगह में दर्शन देते हुए महाप्रभु जगत से अंतर ध्यान हुए। जब महाप्रभु ये अद्वैत आचार्य को बोले तो बर्मा गो तुम क्या चाहते हो, जगत में क्या मांगो, बोले प्रभु हमें एक ही बर दो, बोले क्या बर है, बोले आप जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इसी जगत में आए हो, क्यों आए, वो ब्रज प्रेम के लिए, ब्रज भक्ति को देने के लिए है, वो मंजरी की भाव को देने के लिए जगत में आए, तो एक ही आशीर्वाद दो, यही वरदान दो, जिस काम के लिए इस जगत में आए आप, ये प्रेम को कोई विचार नहीं करना, ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय ये शूद्र ये वैश्य ये विचार नहीं करना, ये प्रेम का आप सबको रूप को बराबर रूप में देना, क्योंकि हर जीव तुम्हारी संतान है, सबको भगवान की भक्ति में सबकी अधिकार, ये सब दुनिया में ये प्रेम को बिना विचार करते हुए सबको तुम प्रदान करना। उन्होंने उनसे भरमा दी, महाप्रभु बोले देखो जब ये विदेश में देखो, हाँ ये विदेश में देखो हमारे मतलब हम लोग तो हिंदू थे भारत से आए रहो, लेकिन ये लोग भी ये सबको ये प्रेम देना विचार नहीं करना, जब ये लोग भी गला में कट्टी माला तिलक ये अंग्रेजी लोगों भी भगवान की भक्ति कर रहे, बोले क्यों कर रहे हैं, उन्होंने उनसे यही प्रार्थना की थी आप सबको पृथ्वी में, और इनकी भविष्यवाणी है एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में हमारे जो सनातन धर्म एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में भगवान का नाम गूंजेंगे और सबके सब प्रसन्न होकर के भगवान का नाम पूछेंगे, उनका ये भविष्यवाणी है। अब धीरे 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 दुनिया में महाप्रभु का कथा सारा दुनिया में प्रचार हो रहा है, सारा दुनिया सबके सब भगवान की जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, सारा दुनिया भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, इनकी कृपा से ही आज हम लोग ने महाप्रभु को पाए और भगवान की भक्ति कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम सबके सब श्री अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करें कि हम सबको बड़े की कृपा करे, जैसे हमें भगवान की भक्ति और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का चरण में हमारी प्रेम हो। ठीक है, प्रणिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा, देखो यहाँ पर कुछ कुछ नए ले भक्त लोग आए, कुछ ये यहाँ तो आप लोग भक्त लोग हैं, अब यहाँ नया है ना कि महिला है, मेरे भाई है, आप भाई है, मेरा छोटा भाई, इसलिए आप इसलिए मेरा दोस्त है।